बलूचिस्तान की साहिली पट्टी का शुमार दुनिया की पुरकशिश और खूबसूरत तरीन साहिली पट्टियों में होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 770 किलोमीटर है। यहां समंदरी हयात, नबाताती जिंदगी, परिंदों की मुख्तलिफ अकसाम, रीफ्स और खूबसूरत जजीरे मौजूद हैं। यहां के हसीन नजारे इस बात की जमानत हैं कि इस खत्ते में सियाहत के लामहदूद मौके मौजूद हैं। जजीरा चरना बहिरे अरब पर दरिया हब से 9 किलोमीटर के फासले पर मगरिब की जानिब वाके एक गैर आबाद जजीरा है। ये जजीरा सियाहती सरगर्मियों का मरकज है, जहां सियाह मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए जौक दर जौक आते हैं। गडानी का साहिल नीलगू पानियों की वजह से मशहूर है। इसकी एक बड़ी वजह शोहरत शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, जिसका शुमार शिप ब्रेकिंग की दुनिया में तीसरे नंबर पर किया जाता है। देखने वालों को इसका पुरकशिश नजारा हमेशा अपनी जानिब खींचता रहता है। यही वजह है कि लोग यहां पिकनिक मनाने टोलियों की शक्ल में आते हैं। मयानी होर साहिली पट्टी के बराबर बहिरे अरब से जुदा एक अलग बे है। इसके किनारे मैंग्रोव्स के जंगलात फैले हुए हैं। यहां डॉल्फिन मछलियां कसरत से पाई जाती हैं और इनका नजारा देखने से ताल्लुक रखता है। बलूचिस्तान की इस साहिली पट्टी पर हमें कई अकसाम के परिंदे मिलते हैं, जिनमें चीलें, जंगली मुर्ग, बगले, उकाब, बतखें, मुर्गाबियां, राजहंस, समंदरी बाज और सुर्ख चिड़ियां शामिल हैं। कपट साहिल रेतीली जमीन है। यहां पर बड़े बड़े केकड़े कसरत से पाए जाते हैं। यहां मिट्टी के बड़े बड़े टीलों में कई गार हैं, जो इंफरादियत और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। सियाह इस मकाम के फितरी हुस्न से लुत्फंदोज होते हैं। कपट बीच बायोल्यूमिनेंस लाइट की बदौलत दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखता है और फोटोग्राफर्स के लिए ख्वाब की दुनिया का दर्जा रखता है। बोजी को साहिल हुस्न में अपनी मिसाल नहीं रखता। यहां कुंड मलीर का इंतहाई दिल लुभाने वाला एक तवील साहिल है। मकरान साहिल पर हिंगोल नेशनल पार्क है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दरिया हिंगोल बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो सारा साल बहता रहता है। यहां मुख्तलिफ अकसाम की रॉक फॉर्मेशंस हैं, जिनमें प्रिंसेस ऑफ होप और स्फिंक्स काबिले जिक्र हैं। इसी मकाम पर नानी नाम का एक कदीम मंदिर भी मौजूद है, जिसकी जियारत के लिए हर साल हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। इसी साहिली पट्टी पर मिट्टी के तीन वॉल्किनो भी मौजूद हैं, जिनकी ऊंचाई जमीन से तकरीबन 100 मीटर है। इन वॉल्किनो से हर वक्त मिट्टी उबलती रहती है। ये नजारा दुनिया में महज चंद जगहों पर ही मयस्सर है। ये मकाम सरमायाकारों के लिए इन्वेस्टमेंट के मौके भी फराहम करता है। यहां पर थीम पार्क से लेकर रिजॉर्ट्स और एम्यूजमेंट पार्क्स कुछ भी तामीर किया जा सकता है। कोस्टल हाईवे पर कराची से तकरीबन 4.5 घंटे की मुसाफत पर गवादर के रास्ते में एक मकाम उड़मारा भी है, जहां पाकिस्तान नेवी की मारूफ जिनाह नेवल बेस भी मौजूद है।
पसनी से 3 घंटे की समंदरी मुसाफत पर जजीरा स्टोला वाके है, जिसे हफ्त तालार भी कहा जाता है। यहाँ का पानी नीलगूं और इतना शफाफ है कि हम समंदर में 20 फुट गहराई तक की आबी हयात को बआसानी देख सकते हैं। ये पाकिस्तान का पहला जजीरा है जिसे समंदरी हयात के लिए महफूज तरीन करार दिया गया है। आने वाले चंद सालों में गवादर शहर पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बंदरगाह होने की बदौलत गवादर को एक खसूसी हैसियत हासिल है। चीन सीपैक मंसूबे के तहत यहां अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। गवादर की रोज अफजू तरक्की को देखकर यह यकीन से कहा जा सकता है कि आइंदा बरसों में यह मकाम सियाहत का भी एक बड़ा मरकज बनकर उभरेगा। जीवानी साहिल गवादर और चाबहार ईरान के दरमियान वाके है। इसके किनारों पर मैंग्रूव की एक ताकतवर और खूबसूरत पट्टी मौजूद है जो ईरान की सरहद तक फैली हुई है। जीवानी के साहिल पर सनसेट का नजारा इतना दिलफरेब और दिलकश है कि उसे देखने के लिए एक दुनिया बेकरार रहती है। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है। चुनाचे हम दावा कर सकते हैं कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी एक मुनफरिद सियाहती मकाम है जहां हर रोज इम्कानात का एक नया सूरज तुलू होता है। We'll be right back.